हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज सेन फ्रॉम पी एस सी बी टेक्स बुक क्लास इन रोज स्टूडेंट्स रोज में बैठे हुए हैं देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन अ रो एक रो में 12 स्टूडेंट्स हैं वट इज द रूल विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एन रोज सो यहाँ पर एन का यूज किया हुआ है एन क्या होता है एन एक लेटर है राइट सो नंबर्स की जगह पर हम लेटर्स की बात कर रहे हैं मतलब दिस इज अ वेरिएबल ठीक है सो so, हमने एन वेरिएबल का यूज करके जेनरिक रूल लिखना है यहां पर उन्होंने साथ में लिखा है रिप्रेजेंट बाय टेबल सो टेबल की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे अपना जेनरिक रूल लिख देंगे सो so, इस तरह से आपने एक टेबल बना लेना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सो so, अगर तो एक रो है तो कितने स्टूडेंट्स हैं ट्वेल्व स्टूडेंट्स हैं ठीक है इसी तरह से हम टेबल में वन टू थ्री एंड फोर के लिए लिखेंगे कि अगर फोर नंबर ऑफ़ रोज हैं तो कितने स्टूडेंट्स होंगे थ्री नंबर ऑफ रोज हैं तो कितने स्टूडेंट्स होंगे टू नंबर ऑफ़ रोज हैं तो कितने स्टूडेंट्स होंगे एंड सो ऑन इस तरह से डैश डैश लगा के एंड में आप एन नंबर ऑफ रोज के लिए लिख दोगे कि कितने स्टूडेंट्स एन नंबर ऑफ रोज में बैठेंगे ठीक है इस तरह से आपने इसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है ओके जी Now, एक रो में तो ट्वेल्व स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं टू रोज में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे देखो इस तरह से होंगी ना दो रोज ठीक है रो वन रो टू सो रो वन में कितने स्टूडेंट्स हैं इस तरह से बारह स्टूडेंट्स हैं ठीक है इसी तरह से रो टू में रो टू में भी तो बारह ही स्टूडेंट होंगे ना क्योंकि ईच रो में बारह बारह स्टूडेंट्स बैठे हैं तो दूसरी रो में भी बारह ही स्टूडेंट्स बैठे हैं इसी तरह से थर्ड रो सो थर्ड रो में भी ट्वेल्व स्टूडेंट्स होंगे आर फोर फोर्थ रो में भी ट्वेल्व स्टूडेंट्स होंगे राइट इसी तरह से फिर आ जाएगी एंथ रो ठीक है सो यहां पर हो क्या रहा है ईच रो में बारह बारह स्टूडेंट्स बैठे हैं तो अगर हमने ये फाइंड करना हो कि दो रोज में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे तो हम क्या करेंगे ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व कर देंगे दिस इज ट्वेंटी फोर 12 ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व का मतलब क्या होता है ट्वेल्व इंटू टू राइट सो दिस इज ट्वेंटी फोर इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि तीन रोज में टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं तो आप क्या करोगे ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व दिस इज थर्टी सिक्स इसका क्या मतलब होता है अगर आप ट्वेल्व को थ्री टाइम्स एड करते हो ट्वेल्व इंटू थ्री टेबल्स इसी तरह से बनते हैं ना राइट सो दिस इज थर्टी सिक्स फोर रोज के लिए पूछा जाए तो आप ट्वेल्व को फोर टाइम्स एड कर दोगे मतलब ट्वेल्व इंटू फोर सो दिस इज फोर्टी एट ठीक है सो so, इसी तरह से ये टेबल चलता जाएगा राइट right. एंड अगर आपको पूछा जाए कि एन नंबर ऑफ रोज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठेंगे तो आप कैसे फाइंड करोगे ट्वेल्व इंटू एन करके राइट right? ट्वेल्व एन कैसे क्योंकि एक रो में तो ट्वेल्व स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो ट्वेल्व को आप मल्टीप्लाई कर दो जितनी नंबर ऑफ रोज के लिए आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं ठीक है सो जेनरिक रूल कैसे आएगा ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज ओके गॉट इट क्योंकि एक रो में तो देखो ट्वेल्व ही स्टूडेंट्स बैठेंगे ये नंबर तो फिक्सड है इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते ये वाला नंबर वेरी होगा नंबर ऑफ रोज तो वेरी होती जाएंगी राइट नंबर ऑफ रोज कैन बी टू नंबर ऑफ रोज कैन बी फोर नंबर ऑफ रोज कैन बी एनी नंबर राइट सो इसीलिए नंबर ऑफ रोज की जगह पर आप इस वेरिएबल एन का यूज करोगे जो उन्होंने गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में यहां पर ट्वेल्व तो फिक्स नंबर है कितने स्टूडेंट्स एक रो में बैठ रहे हैं वो नंबर तो उन्होंने आपको फिक्स्ड दे दिया ट्वेल्व तो ट्वेल्व को आप नंबर ऑफ रोज के साथ मल्टीप्लाई कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा कि उतनी रोज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठेंगे सो so, यहां पर आ जाएगा ट्वेल्व एन यहां पर भी टेबल को फिल कर दो कि टू रोज में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे ट्वेल्व इंटू टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर थ्री रोज में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे ट्वेल्व इंटू थ्री इज इक्वल टू थर्टी सिक्स फोर रोज में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट ठीक है जी सो इन क्वेश्चन में आपने ये वाला टेबल भी बना देना है एंड साथ में आपने ये वाला रूल भी लिख देना है यहां पर मैं थोड़ा क्लियरली लिख देती हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रोज इज इक्वल टू ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज ओके यहीं से आपने बनाया ना जेनर फॉर्मूला ट्वेल्व एन आप ट्वेल्व सीधा भी लिख सकते हो अगर आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो ओके सो एक रो में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं ट्वेल्व सो ट्वेल्व को आपने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ रोज के साथ ठीक है सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज आप सिंपली ट्वेल्व इन टू नंबर ऑफ रोज भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज आप ऐसे लिख दो अगर आपको दोनों ही लिखने हैं ऐसे भी लिख के बताना है ऐसे भी लिख के बताना है तो आप दोनों ही लिख दो पेपर में ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू इन द कमिंग वीडियोज वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर